सो वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज हम देखते हैं सेकेंड चैप्टर स्टॉक मार्केट का, कि इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है, रेगुलेटरी क्या होती है और ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। व्हाट इज़ अ स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट के बारे में हम सारी जानकारी लेते हैं कि स्टॉक मार्केट है क्या, क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, रीज़न क्या है इन्वेस्टमेंट करने का। ठीक है, अगर इससे पहले के चैप्टर्स नहीं देखे तो इस पहले के चैप्टर्स आप देख लें, बिकॉज इससे पहले के चैप्टर्स में हमने जो बेसिक जो चीज़ें थी वो सारी हमने कवर करी है। सो व्हाट इज़ अ स्टॉक मार्केट? सो स्टॉक मार्केट क्या है वो जानते हैं। इन्वेस्टमेंट इन द इक्विटीज़ इज़ इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट दैट वी मेक अ ऑर्डर टू जनरेट इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स। सो जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, हम किस लिए करते हैं? इन्वेस्टमेंट जो हम करते हैं इक्विटीज़ के अंदर करते हैं, और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम क्या कर सकें, जो इस इन्फ्लेशन रेट जो हमेशा बढ़ रही है, जनरेट हो रही है, तो इसको क्या कर से बीट कर सकते हैं, बीट करें इसके। ठीक है, तो दिस वाज अ कंक्लूजन वी ड्रॉ फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर। जो हमने प्रीवियस चैप्टर पढ़ा था उस चैप्टर के अंदर हमें क्या हुआ, ये कंक्लूजन निकला था। हैविंग अ सेड दैट, हाउ डू यू गो अबाउट द इन्वेस्टमेंट इन इक्विटीज़। सो आप ये इसमें ये कंक्लूज़न है कि मतलब इस तरह ये बताया गया है कि आप किस तरीके से इन्वेस्टमेंट में इक्विटीज़ को, हाउ डू वी गो अबाउट इन्वेस्टमेंट इन इक्विटीज़, ठीक है, किस तरीके से जा सकते हैं। क्लियरली बिफोर वी ड्वेल फर्दर इन टू द टॉपिक, इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इकोसिस्टम इन द विच द इक्विटीज़ ऑपरेट। तो इन जो इस टॉपिक के डीपली जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो ये इकोसिस्टम है, ये जो पूरा सिस्टम है, ये शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट का, ये बेसिकली वर्क कैसे कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे आ जाते हैं, ये ऑपरेट कैसे हो रहा है। सो जस्ट लाइक द वे यू गो टू द नेबरहुड किराना स्टोर और द सुपर मार्केट टू शॉप फ्रॉम द डेली नीड्स, एंड सिमिलरली वी गो टू द स्टॉक मार्केट एंड शॉप्स रीड टू बी ट्रांजेक्ट फ्रॉम इक्विटी इन्वेस्टमेंट। सो जिस तरीके से आप अपने नेबर में, अपने पड़ोस में किराने के स्टोर पे जाते हैं, सुपरमार्केट में जाते हैं और अपनी डेली नीड्स यानी छोटी छोटी जो चीज़ें होती है आपकी डेली नीड्स के लिए, आप उसी तरीके से क्या होता है कि हम स्टॉक मार्केट में जाते हैं अपने रीड एंड ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम इक्विटी इन्वेस्टमेंट। आप क्या करते हो, आप वहाँ पर अपने जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ट्रांजेक्शन होते हैं वो करते हो आप इक्विटी यानी हिस्सेदारी किसी भी शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो आप उसमें। ठीक है, स्टॉक मार्केट इज़ अ वे एवरी वन वो वॉन्ट टू द ट्रांजेक्ट इन शेयर्स गो टू। ठीक है, सो स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि आप कोई भी एवरी वन यहाँ पर आता है और अपने ट्रांजेक्शन्स या लेन देन यहाँ पर कर सकता है। ठीक है, ट्रांजेक्ट इज़ अ सिंपली टर्म्स मीन्स बाइंग एंड सेलिंग्स। ठीक है, इसका मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग्स, इस डेफिनेशन का, इस वर्ड का मतलब है। फॉर ऑल द प्रैक्टिकल पर्पस यू विल बी बाय एंड सेल शेयर इन द पब्लिक कंपनीज लाइक इन्फोसिस विदाउट ट्रांजेक्ट थ्रू द स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो आप यहाँ पे कुछ कंपनीज के नाम भी बताए गए हैं, जैसे इन्फोसिस, ये क्या है, इसमें पब्लिकली, ये पब्लिक कंपनी है, पब्लिकली कंपनी है मतलब यहाँ पे शेयर मार्केट में लिस्टेड है, इसका कभी ना कभी IPO आया था, सो दैट्स अ रीज़न यहाँ पे ये लिस्टेड है। एंड यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप, जो इसके स्टॉक्स है उसको बाय या सेल आप कर सकते हो। ठीक है, ये कोई भी कर सकता है। ठीक है, स्टॉक मार्केट फॉर्म सभी के लिए है। द मेन पर्पस ऑफ स्टॉक मार्केट इज़ अ हेल्प यू फैसिलिटेट योर ट्रांजेक्शंस। ठीक है, सो इफ़ यू आर अ बायर और अ शेयर द स्टॉक मार्केट हेल्प यू टू मीट द सेलर्स एंड वाइस वर्सा। सो इसी तरीके से स्टॉक मार्केट क्या करता है, ये आपकी मदद करता है टू फैसिलिटी ऑफ ट्रांजेक्शंस, आपके जो लेन देन होते हैं उसमें आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। सो इफ़ यू आर, आप जो भी हो, आप खरीदार हो या आप बेच रहे हो चीज़ों को, ठीक है, तो आप जो स्टॉक मार्केट है आपके जितने भी क्राइटेरियाज है उस पर खड़ा उतरता है। ठीक है, नाउ यू अनलाइक अ सुपर मार्केट द स्टॉक मार्केट डज नॉट एग्जिस्ट इन अ ब्रिक्स टू मोटर फॉर्म, इट एग्जिस्ट इन अ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, यू एक्सेस द मार्केट electronically from your computer, go about the conducting in transaction buying and selling of the shares. तो यहाँ पे कुछ example, यहाँ पे कुछ बताया गया है कि जैसे जो आप supermarket होते हैं वो आप देखोगे कि आप देखते हो उस चीज़ को, वो exist करती है, वो चीज़ें exist है, exist छू सकते हो उस चीज़ को, बट जो stock market है वो exist नहीं करता, जैसे उसकी existence इसके bricks यानी ईंटें या
किसी ऐसे चीज़ों से नहीं है या दीवारों से नहीं है उसकी एग्जिस्टेंस। उसकी एग्जिस्टेंस है इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम एक्सेस योर मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉम योर कंप्यूटर। आप अपने कंप्यूटर से उसको एक्सेस कर सकते हो। आप उसके ट्रांजेक्शन्स को बाई या सेल करना है तो या आप अपने कंप्यूटर के अंदर, आप अपने सिस्टम के अंदर बैठ कर किसी एप्लीकेशंस के थ्रू आप इसको कर सकते हो या वेबसाइट के थ्रू आप जा सकते हो, ठीक है। सो ऑल्सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट यू कैन बी एक्सेस द स्टॉक मार्केट वी आर रजिस्टर इंटर इमीडिएटली कॉल द स्टॉक ब्रोकर्स। वी विल डिस्कस मोर अबाउट द स्टॉक ब्रोकर्स एट लेटर पॉइंट। तो हम यहाँ पे ना इंटरमीडिएटर की बात इसमें जानते हैं कि इंटरमीडिएटर क्या होता है बेसिकली। सो स्टॉक जो हम जब भी लेन देन करते हैं, हम बाय या सेल करते हैं स्टॉक्स को, तो स्टॉक्स हम डायरेक्टली बाय या सेल नहीं कर सकते नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से। तो हमें क्या एक ज़रूरत पड़ती है, एक मीडिएटर की ज़रूरत पड़ती है। सो हमारे दैट्स अ टाइम हमारे यहाँ पे बहुत सारे मीडिएटर हैं, जैसे ज़ीरोधा हो गया, ठीक है, ग्रो हो गया, ठीक है, मतलब बहुत सारे हैं हमारे पे, एंजल ग्रो हो गया। तो ये सब क्या है, एक मीडिएटर है जो हमें ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, इस तरीके से ये खोल के देते हैं। दे आर द टू मेन स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया मेक अप द स्टॉक मार्केट्स। दे आर फ्रॉम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो इंडिया के अंदर दो स्टॉक मार्केट्स हैं, उसे हम कहते हैं एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बिसाइड टू एक्सचेंज देर आर द बंच ऑफ अदर रीजनल स्टॉक एक्सचेंज लाइक बेंगलुरु स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ पे इसके साथ ही साथ बिसाइड आप देखें तो इसके साथ में आपको कई रीजनल स्टॉक एक्सचेंज भी आपको दिखेंगे, जैसे हो गया बेंगलुरु स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, मद्रास स्टॉक एक्सचेंज। दे आर द मोर लेस गेटिंग द फेस्ड आउट एंड डोंट रियली प्ले द मीनिंगफुल रोल इन एनी मोर। बट ये एग्जिस्ट करते हैं, बट ये इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते जितना हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हमारा रोल परफॉर्म करता है। स्टॉक मार्केट इज़ अ पार्टिसिपेंट एंड द नीड टू बी रेगुलेट देम, ठीक है। सो जो हमारे जो स्टॉक मार्केट्स होते हैं उसको जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वही रेगुलेट करते हैं, वही उसको वही चीज़ें वहाँ पे परफॉर्म होती है। द स्टॉक मार्केट इज़ अट्रैक्ट इंडिविजुअली एंड कॉरपोरेशन फ्रॉम डिवर्स बैकग्राउंड, ठीक है। जो स्टॉक मार्केट होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं अकेले जो इंडिविजुअल है उसको भी, ठीक है, और कॉरपोरेशन को भी, ठीक है, कॉरपोरेट वर्ल्ड से कॉरपोरेट पर्सन्स को भी, ठीक है, जो कोई से भी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो उन सभी को अट्रैक्ट करता है। एनी वन हू हैव अ ट्रांजिट इन द स्टॉक मार्केट इज कॉल्ड द मार्केट पार्टिसिपेंट। अब कोई भी इंसान जो स्टॉक मार्केट में शेयर्स को बाय करता है या सेल करता है उसको मार्केट हमारा पार्टिसिपेंट कहेंगे उसको, क्योंकि वो एक हिस्सेदार है, ठीक है। द मार्केट पार्टिसिपेंट कैन बी क्लासिफाइड इन टू द वेरियस कैटेगरीज। सम ऑफ द कैटेगरीज ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट आर फॉलो। तो कुछ कैटेगरीज में बांटा गया है जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं हमारे स्टॉक मार्केट्स के अंदर, जिन्होंने भी बाय या सेल किया गया है कोई से भी प्लेटफॉर्म से, कोई से भी मीडिएटर से, ठीक है, डीमैट अकाउंट खुलवा के। सो जैसे हमारे कुछ कैटेगरीज होते हैं पार्टिसिपेंट की, डोमेस्टिक रिटेल पार्टिसिपेंट, दिस आर पीपल लाइक यू एंड मी ट्रांजेक्शन इन मार्केट। तो डोमेस्टिक रिटेल पार्टिसिपेंट होते हैं जैसे कि हम और आप, वो पीपल जो आते हैं ट्रांजेक्शन करते हैं मार्केट के अंदर। NRI एंड OCI, दिस पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन बट बेस्ड ऑन आउटसाइड। ये पीपल्स क्या होते हैं, इंडिया के ओरिजिन होते हैं, ठीक है, बट ये क्या बेस्ड आउटसाइड ऑफ द इंडिया, आउटसाइड के बाहर होते हैं। दिस डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, दिस आर द लार्ज कॉरपोरेशन एंटिटी बेस्ड इन इंडिया। क्लासिकल एग्जाम्पल वुड बी लाइक LIC, ठीक है। और कुछ होते हैं जैसे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे LIC हो गया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ये क्या है, लार्ज कॉरपोरेशन कॉरपोरेट है ये, और ये क्या करती है, ये भी स्टॉक मार्केट के अंदर आती है एंड बाय एंड सेल परफॉर्म करती है। डोमेस्टिक एसेट मैनेजमेंट कंपनीज AMC, टिपिकली पार्टिसिपेट इन द कैटेगरी वुड बी अ म्यूचुअल फंड कंपनी सच एज SBI म्यूचुअल फंड, DSP, ब्लैक रॉक, फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट, HDFC एंड AMC एक्सेट्रा। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पे डोमेस्टिक एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ भी होती है, जैसे कुछ गवर्नमेंट कंपनीज़ हो गई हमारी SBI कंपनीज़, ये क्या करती है, हमें प्रोवाइड करती है म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, और
म्यूचुअल फंड्स, ये जो कंपनीज होती है, SBI म्यूचुअल फंड्स, DSB, ब्लॉक रॉक्स, फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट, HDFC, AMC एक्सेट्रा, ये क्या करती है, ये हमें प्रोवाइड करती है कि आप हमारे थ्रू आप अपने इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये भी क्या करती है, ये इनके कुछ पार्टिसिपेंट्स होते हैं, इनके कुछ बहुत स्टॉक मार्केट के बहुत इंटेलिजेंस पर्सन होते हैं, वो स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं, कैलकुलेट करते हैं विद ऑल द लॉजिकल थिंग्स, ठीक है, एंड कंडीशंस पे, तो एंड देन तब जाके वो पैसा लगाते हैं, ठीक है। बट आप क्या करते हो, बस इनके यहाँ म्यूचुअल फंड्स में कुछ कुछ रुपए कुछ करेंसी में आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स में आप लगा देते हो। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, जो नॉन इंडियन कॉरपोरेशन एंटिटीज होती है, दिस वुड बी अ फॉरेन एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, हैज फंड्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट। जो बाहर की कंपनीज होती है, जो फॉरेन एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती है, वो जैसे हो गया हैज फंड्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट, ये सारे बाहर के इन्वेस्टर्स होते हैं। नाउ इरेस्पेक्टिव ऑफ द कैटेगरी ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट टू एजेंडा फ्रॉम एवरीवन इज द सेम टू द मेक प्रॉफिटेबल बिजनेस पॉटिफुल ट्रांजेक्शन मोर ब्लेंडली पुट टू मेक मनीज। सो चाहे कोई से भी हो, चाहे मतलब कोई से भी इन्वेस्टमेंट हो, चाहे कोई से भी हमारे पार्टिसिपेंट हो, जो डोमेस्टिक पार्टिसिपेंट हो, NRI या OSI, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन या डोमेस्टिक एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, या फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट्स इन्वेस्टर्स हो, इन सभी का एक पर्टिकुलर मेन मोटिव होता है कि वो आए एंड टू मेक मनी, यहाँ पे आके मोर प्रॉफिटेबल बिजनेस प्रॉफिटेबल ट्रांजेक्शन बनाए एंड देन मनी गेन करें यहाँ से। सो मनी इज़ इन्वॉल्व द ह्यूमन इमोशंस, जो जो मनी है वो क्या है, ह्यूमन इमोशन से बहुत जुड़ा हुआ है, इन द फॉर्म ऑफ ग्रीड एंड फियर, रन एंड हाई। सो जो मनी है ना, वो ह्यूमन इमोशन यानी इंसानों के भावनाओं से जुड़ा हुआ है, और ये भावनाएं कुछ ग्रीड, ग्रीड मतलब लालच करना, ठीक है, फियर मतलब डर डरना, ठीक है, एंड रन या हाई हो जाना, ठीक है। वन कैन ईजली फॉल प्रे टू दिस इमोशन एंड गेट इन्वॉल्व दिस अनफेयर प्रैक्टिसेस। सो इनके जाल में भी फंसा जा सकता है, इन इमोशंस के, और ये क्या कहते हैं, अनफेयर प्रैक्टिसेस भी परफॉर्म की जा सकती है, ठीक है। इंडिया हैज़ इट इज़ फेयर शेयर्स ऑफ सच एज ट्विस्टेड प्रैक्टिसेस थैंक्स फॉर ऑपरेशन ऑफ हर्षद मेहता एंड दैट लाइक। तो क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ फेयर शेयर्स ट्विस्टेड प्रैक्टिसेस भी हुए थे यहाँ पे, जैसे ट्विस्टेड हर्षद मेहता केस का आपने नाम सुना होगा, इस पर बहुत ज़्यादा फेमस सीरियल्स बनी हैं, मूवीज़ बनी हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ें हैं, तो जो फेयर अनफेयर प्रैक्टिसेस होती है वो एप्लीकेबल नहीं है यहाँ पे, तो डोंट मतलब यहाँ पे हम कोई भी ऐसे अनफेयर प्रैक्टिसेस नहीं परफॉर्म कर सकते इंडियन स्टॉक मार्केट्स के अंदर, ठीक है, जैसे हर्षद मेहता ने किया था, ऐसा नहीं कर सकते। गिवन द स्टॉक मार्केट इज नीड समवन हु कैन बी सेट द रूल्स ऑफ द गेम एंड कॉमनली फेयर बाय रेगुलेशन एंड कंप्लेंशन। जो स्टॉक मार्केट में हमें एक ज़रूरत थी कि कोई रूल्स इस गेम के रूल्स को फाइनली परफॉर्म बनाए, रेगुलेट करें एंड कंपाइलेशन करें, ठीक है, टू इंश्योर द पीपल इज एडाय टू दिस रेगुलेशन एंड कंपाइल्स हियर बाय मेकिंग मार्केट टू ए लेवल ऑफ प्लेइंग फील्ड फॉर एवरीवन। तो क्या हो कि इस मार्केट को एक पूरा प्रॉपर सभी के लिए सामान्य बनाया जाए, कि सभी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से खेले, प्रॉपर तरीके से आए एंड इन्वेस्ट करें एंड प्रॉपर तरीके से यहाँ पे खेले, किसी को कोई अनफेयर प्रैक्टिस ना करें यहाँ पे। द रेगुलेटर, ठीक है, सो इन इंडियन द स्टॉक मार्केट रेगुलेटर इज कॉल्ड द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जो यहाँ पे इंडिया के अंदर क्या है कि एक स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए, यहाँ पे जो रूल्स रेगुलेशंस ये देखने के लिए, ये ध्यान देने के लिए कि यहाँ पे जो ट्रेडिंग जो चल रही है, स्टॉक मार्केट चल रही है, जो चीज़ें चल रही है प्रॉपर तरीके से चले, एंड देन कोई भी ऐसी गलत चीज़ें ना हो जो एक कॉमन मैन या चीज़ों को बहुत तकलीफ दे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे देखो सिक्योरिटी ऑफ एक्सचेंज, जिसे हम सेबी भी आज के टाइम में कहते हैं, द सेबी, द सिक्योरिटी ऑफ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑफ्टन द रिफर्ड द सेबी, हम इसे सेबी भी कहते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी इज़ टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स।
तो यहाँ पे जो सेबी का काम है वो क्या है कि जो रिटेल इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट करने का, द रेगुलेट रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ मार्केट एंड पार्टिसिपेंट टू फाइनेंशियल टर्म डायरीज इन द जनरल सेबी इंश्योरेंस। ठीक है, तो ये क्या करता है कि हमारा जो सेबी है वो बेसिकली आपको प्रोटेक्ट करता है किसी भी ऐसी चीज़ें अनरेगुलेटेड चीज़ें अनफेयर प्रैक्टिसेस से प्रोटेक्ट करता है आपको, जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं उनको। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें पॉइंट्स बताए गए हैं। द स्टॉक एक्सचेंज BSE NNSE कंडक्ट इज बिजनेस फेयरली। जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज होते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कंडक्ट क्या करते हैं, बिजनेस फेयरली। स्टॉक ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स कंडक्ट देयर बिजनेस फेयरली। ठीक है, जो स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं स्टॉक ब्रोकर्स जो स्टॉक ब्रोकर्स हमारे जैसे जो मीडिएटर्स होते हैं, ठीक है, वो सब ब्रोकर कंडक्ट देयर बिजनेस फेयरली कहते हैं। पार्टिसिपेंट डोंट गेट इन्वॉल्व इन अनफेयर प्रैक्टिस। जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो उनको इन्वॉल्व नहीं होना किसी भी अनफेयर प्रैक्टिसेस के अंदर। कॉपरेट डोंट यूज़ द मार्केट टू अनब्यूट बेनिफिट एंड देम सेल्फ, एग्जाम्पल सत्यम कंप्यूटर्स। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है जैसे कि सत्यम कंप्यूटर्स से उन्होंने क्या किया कि वो जो कॉपरेट्स होते हैं वो कोई मार्केट में ऐसी अफवाह या ऐसी चीज़ें ना फैलाएं जिससे शेयर मार्केट या शेयर की चीज़ें अनफेयर प्रैक्टिस में आ जाए। स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर इंटरेस्ट आर प्रोटेक्टेड। जो स्मॉल रिटेल्स होते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं, जो छोटे छोटे अमाउंट्स में पैसा लगाते हैं, उसके इंटरेस्ट जो आर इंटरेस्ट हो वो प्रोटेक्टेड रहे। लार्ज इन्वेस्टर विद अ ह्यूज कैश पाइल शुड नॉट बी मैनिपुलेट द मार्केट। जो लार्ज इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर होते हैं और वो अपना बहुत बड़ा बड़ा पैसा लेके आते हैं, अमाउंट लेके आते हैं, और वो चाहते हैं कि मार्केट को मैं रेगुलेट कर दूँ, तो ये क्या है कि ऐसा नहीं यहाँ पे होना चाहिए। तो ये भी सेबी ख्याल रखता है इस चीज़ का कि मैनिपुलेट ना हो पाए मार्केट को। ओवरऑल द डेवलपमेंट ऑफ मार्केट, तो ओवरऑल क्या करता है कि जो मार्केट का डेवलपमेंट होते रहे। तो गिवन द अबव ऑब्जेक्टिव बिकम द इम्प्लीमेंटेड टू सेबी इज रेगुलेट द फॉलोइंग एंटिटीज। ऑल द एंटिटीज इज मेंशन बिलो इज द टेबल 2.1 आर डायरेक्टली इन्वॉल्व द स्टॉक मार्केट्स। आप अगर इसको देखेंगे तो आप ये पता करेंगे कि जो सेबी है वो बेसिकली प्रोटेक्ट करता है जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो स्मॉल इन्वेस्टर होते हैं, बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, कॉर्पोरेट इन्वेस्टर होते हैं, जो अनफेयर प्रैक्टिसेस को परफॉर्म कर सकते हैं और मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो इन जो मैनिपुलेशन होता है इन चीज़ों को क्या करते हैं ये, इनको रोकते हैं। मैल प्रैक्टिस ऑफ एनी वन द फॉलोइंग एंटिटी कैन बी डिस्ट्रीब्यूट द अदर विज द हार्म्स मार्केट इन इंडिया। ठीक है, तो जो सेबी होता है, सेबी इज़ अ प्रिजर्व टू द सेट ऑफ रूल रेगुलेशन ऑन ईच वन ऑफ दिज एंटिटीज़। जो सेबी होता है वो क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करता है इनके रेगुलेशंस और ये सारी चीज़ों को। द एंटिटी शुड बी ऑफ ऑपरेट विद अ लीगल फ्रेमवर्क एंड प्रोसीड बाय द सेबी। जो ये लीगल फ्रेमवर्क में चलता रहा है ये प्रिजर्व करता है। ठीक है, द स्पेसिफिक रूल्स ऑफ एप्लीकेबल टू स्पेसिफिक एंटिटी एंड मेड बाय अवेलेबल सेबी ऑन देयर वेबसाइट। आप सेबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप जाओगे तो वहाँ पे आप ही आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। ठीक है, तो एक बार परफॉर्म करते हैं SEBI CB। ठीक है, एंड देन यू जस्ट गो टू द सिक्योरिटी ऑफ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये जो है सेबी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, तो यहाँ पे सारी चीज़ें इनकी सेबी की वेबसाइट पर, यहाँ पे स्टॉक मार्केट से या सारी चीज़ें जो भी है यहाँ पे रिपोर्ट होती है। इन्वेस्टर वेबसाइट्स मतलब यहाँ पे नई नई चीज़ें या जो भी चीज़ें हैं रेगुलेशन आती रहती है। सो सेबी वाज अ रूल्स रेगुलेशन जो आती है वो पब्लिश करती रहती है अपने वेबसाइट पर। दे आर पब्लिश्ड अंडर द लीगल फ्रेमवर्क सेक्शन ऑफ देयर वेबसाइट। जैसा कि हमने देखा कि वो सेबी की वेबसाइट पे थी, लीगल फ्रेमवर्क सेक्शन ऑफ देयर वेबसाइट में एक उनका मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल में जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ द रेगुलेटर्स इन इंडिया, जैसे यहाँ पे कुछ ये टेबल बताया गया है, टेबल के अंदर किस तरीके से चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें दिखाई गई यहाँ पे। जैसे एक एंटिटी है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी CRA। एग्जाम्पल ऑफ कंपनी क्या है हमारे पे, CRSL ICR केयर्स। तो वट डू दे डू, तो ये क्या करती है, द रेट द क्रेडिट वर्थनेस ऑफ द कॉपरेट एंड गवर्नमेंट। ठीक है,
इन सिंपल वर्ड, इन ए कॉरपोरेट ऑफ अ गवर्नमेंट एंटिटी वॉन्ट टू अवेल द लोन CRA चेक इफ द एंटिटी इज़ वर्थ टू गिविंग अ लोन। ठीक है, तो ये जो एंटिटी है हमारे क्रेडिट रेटिंग CRA, तो ये क्या करती है कि कॉरपोरेट या गवर्नमेंट एंटिटी को लोन प्रोवाइड करती है, और ये चेक करती है कि ये क्या वर्थ इट है गिविंग लोन, ये जो लोन है क्या वर्थ इट है गिवन देना इनको। एंड देन इसके बाद आता है हमारा डिफिनेशन ट्रस्टेड, ऑलमोस्ट ऑल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर एक्ट द ट्रस्ट टू द कॉर्पोरेट डिबेंचर। ठीक है, व्हेन अ कंपनी वांट द रेज टू अ लोन दे कैन बी इशू अ डिबेंचर अगेंस्ट विच दे आर प्रॉमिस टू पे एन इंटरेस्ट। दिस इज अ डिबेंचर कैन बी सब्सक्राइब बाय द पब्लिक एंड डिबेंचर इज ट्रस्टेड इंश्योर दैट द डिबेंचर इज ऑब्लिगेट इज अ हॉनर्ड। सो क्या कहती है कि कंपनी को कभी भी किसी लोन चाहिए होता है तो एक डिबेंचर जो होती है वो अपना पब्लिश कर, वो अपना पब्लिकली पब्लिश कर देती है एक कंपनी। ठीक है, तो पीपल्स क्या होता है, एंड ये कंफर्म कहती है कि कंपनी कंफर्म कहती है कि अगर ये जो हम इसका इंटरेस्ट ज़रूर देंगे आपके पैसों के बदले। ठीक है, सो दैट्स अ रीज़न। फिर उसके बाद आता है हमारा डिपॉजिटरी NSDL एंड CDSL, सेफ कीपिंग रिपोर्टिंग एंड सेटलमेंट ऑफ द क्लाइंट सिक्योरिटीज़। सो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया इसका कि एक्ट लाइक अ वॉल्ट फॉर द शेयर दैट यू हैव बाय द डिपॉजिट होल्ड द शेयर्स एंड द फैसिलिटी एक्सचेंज ऑफ द सिक्योरिटीज व्हेन द बाय शेयर्स दिस शेयर सिट ऑन योर डिपॉजिटरी अकाउंट यूजली रिफर्ड एज द डीमेट अकाउंट। दिस इज मेंटेन इलेक्ट्रॉनिकली बाय टू कंपनीज इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो NSDL और CDSL है ये क्या करती है कि आपने जो बाय किया है शेयर्स को वो क्या करती है, होल्ड करती है ये अपने एक्सचेंज या सिक्योरिटी के अंदर। बाय शेयर्स जो होते हैं वो आपके डीमेट अकाउंट या डिपॉजिटरी अकाउंट जो कहलाता है हमारा, वो डीमेट अकाउंट कहलाता है, उसमें चली जाती है। और ये क्या करती है, और ये जो दो कंपनी है हमारी यही मेंटेन करती है हमारे डीमेट अकाउंट को। तो ये दो कंपनी है हमारे NSDL एंड CDSL। ठीक है, NSDL और CDSL ये परफॉर्म करती है हमारे इसका। ठीक है, तो सेबी तो वो था कि आपको चेक करेगी कि किस तरीके से आपका जो इन्वेस्टमेंट का जो कोई रूल या रेगुलेशन को तोड़े ना, ये चीज़ें डिफाइन करती है। ठीक है, और NSDL और CDL क्या होती है, ये बेसिकली ये आपके डीमेट अकाउंट्स को, डीमेट अकाउंट के जो ट्रांजैक्शन हुए हैं आपके स्टॉक्स को बाय या जो सेल हुए हैं वो स्टॉक्स आपके डीमेट अकाउंट के अंदर रखती है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट DP, मोस्ट ऑफ द बैंक्स आर फ्यू स्टॉक ब्रोकर्स। कुछ बैंक्स होते हैं जो फ्यू स्टॉक ब्रोकर्स भी होते हैं, एक्ट एज अ एजेंट टू द टू डिपॉजिटरीज। सो इस तरीके से एक्ट करते हैं कि वो दो डिपॉजिटरी के बीच में ऐसे एजेंट के रूप में। यू कैन नॉट डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द NSDL और CDSL, यू नीड टू द लिजोन फ्रॉम विद द DP टू ओपन द मेंटेन योर डीमेट अकाउंट। सो क्या होता है कि NSDL और CDL के आप डायरेक्ट, CDSL के आप डायरेक्टली क्या होता है कम्युनिकेट नहीं करते, बट ये भी हमारे क्या होता है कि जो सेबी होता है, सेबी भी प्रोटेक्ट करते हैं, और NSDL CDSL भी क्या करते हैं, हमारे जो चीज़ों को होती है थोड़ा प्रोटेक्ट करते हैं। बट ये क्या है कि ये जो डीमेट, जितने भी डीमेट अकाउंट्स होते हैं उनका जो स्टोरेज पाथ, स्टोरेज एरिया होता है, दैट इज़ बेसिकली NDSL एंड ये। ठीक है, तो ये होता है हमारा। सो यहाँ पे आते हैं, सो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट मोस्ट ऑफ द बैंक ऑफ फ्यू, ये वही चीज़ होगी कि DP एंड ओपन द मेंटेन डीमेट अकाउंट। फिर यहाँ पे आते हैं जैसे फॉरेन इन्वेस्टिट्यूशन इन्वेस्टमेंट, द फॉरेन कॉर्पोरेट फंड्स एंड इन्वेस्टमेंट मेक इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, दिस आर द फॉरेन एंटिटीज एंड इंटरेस्ट इन्वेस्ट इन इंडिया, दे आर यूजली ट्रांजेक्ट द लार्ज अमाउंट ऑफ द मनी एंड हैंस दे आर एक्टिविटी द मार्केट ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ टर्म्स ऑफ मार्केट स्टेटमेंट। ये फॉरेन एंटिटीज़ होती है जो इंटरेस्ट टू इन्वेस्ट, ये क्या करती है, इनका इंटरेस्ट होता है इन्वेस्ट करने का इंडिया के अंदर, तो ये क्या करती है, यूजली ट्रांजेक्ट द लार्ज अमाउंट ऑफ द मनी एंड हैंस दे आर एक्टिविटी ऑफ द मार्केट एज इम्पैक्ट द टर्म्स ऑफ मार्केट स्टेटमेंट। तो ये क्या करते हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ द मनी को डालते हैं स्टॉक मार्केट्स या ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे, एंड देन इट्स प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करते हैं।
मर्चेंट बैंकर्स होते हैं जैसे काव्या या एक्सिस बैंक या एडवलेसी या कैपिटल्स हेल्प द कंपनीज अराइज मनी इन द प्राइमरी मिक्स। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ, जैसे मोस्ट ऑफ द बैंक फ्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे मर्चेंट बैंकर्स होते हैं जो जैसे एक्सिस बैंक हो गया, एडवलेट या कैपिटल हो गया, ये कंपनी क्या करती है, हेल्प द कंपनी राइज मनी इन द प्राइमरी मार्केट। तो ये क्या करती है कि प्राइमरी मार्केट में जितना भी मनी है तो वो थोड़ा हेल्प करती है कि वहाँ से लेके आए। इफ़ अ कंपनी प्लान टू राइज मनी बाय फ्लोटिंग एन आई पी ओ एंड द मर्चेंट बैंकर्स आर द वन ऑफ द वो हेल्प कंपनीज विद आई पी ओ प्रोसेस। सो क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल में जब भी स्टॉक मार्केट में एक कंपनी लिस्ट होती है बिकॉज उनको भी पैसा चाहिए एंड देन मनी चाहिए बिकॉज काम करने के लिए। तो यहाँ पे क्या कहता है कि इफ़ जब भी कंपनी प्लान करती है कि रेज मनी करने के लिए, तो वो क्या करती है कि अपना फ्लोटिंग एक आईपीओ निकालती है, आईपीओ निकालती है। और ये मर्चेंट बैंकर्स क्या होते हैं, वो हेल्प करते हैं कि इनके जो आईपीओ है, आईपीओ के प्रोसेस प्रोसेस को मेंटेन या प्रोसेस को बनाए रखने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद आता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी जिसे एएमसी कहते हैं। एसेट मैनेजमेंट जैसे एचडीएफसी, एएमसी, रिलायंस कैपिटल्स या एसबीआई कैपिटल्स ऑफर द म्यूचुअल फंड्स। ये क्या करते हैं, एएमसी जो कंपनीज होती है हमारे एसेट मैनेजमेंट एसेट को मैनेज करती है। तो ये क्या करती है कि म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं, म्यूचुअल फंड स्कीम्स होते हैं, वो सारी कंपनी यही कंपनियाँ लेके आती है, जैसे हमारे में बहुत सारी है। जैसे HDFC, AMC, रिलायंस कैपिटल, SBI कैपिटल, ये सारे ऑफर द म्यूचुअल फंड्स, हमें म्यूचुअल फंड्स प्रोवाइड करती है। AMC कलेक्ट द मनी फ्रॉम द पब्लिक, पुट्स एंड मनी द सिंगल अकाउंट्स एंड देन इन्वेस्ट द मनी टू द मार्केट व्हेन द ऑब्जेक्टिव इज मेकिंग इन्वेस्टमेंट ग्रो एंड द दे अफोर द जनरेट वेल्थ, सो इट इज़ अ इन्वेस्टमेंट। सो क्या होता है कि जो हमारे रिलायंस कैपिटल है, SBI कैपिटल है, HDFC, AMC, ये सारे जो जितने भी हैं असिस्ट मैनेजमेंट कंपनीज जो होती है, बेसिकली क्या करती है कि बहुत बड़े हिस्से, मतलब छोटे छोटे बहुत बड़े हिस्से यानी लोगों के बीच छोटे छोटे अमाउंट में एक बड़ा अमाउंट इकट्ठा करती है। देन बड़ा अमाउंट इकट्ठा होने के बाद ये एक स्टॉक मार्केट में लगाती है एंड देन स्टॉक मार्केट में से प्रॉफिट बुक करती है। ठीक है, सो दैट्स अ रीज़न। सो यहाँ पे आता है पोर्टफोलियो मैनेजर, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम PMS, जैसे रिजर्व वेल्थ हो गया, मैनेजमेंट प्रिगेंट या PMS हो गया, ऑफर द PMS स्कीम, दे आर वर्क द सिमिलर एज अ म्यूचुअल फंड। ये क्या करते हैं, ये सिमिलर काम करते हैं म्यूचुअल फंड के ही। PMS हैव द इन्वेस्ट टू मिनिमम एज तो इसमें जो द वर्क एज अ सिमिलर म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इसके अंदर मिनिमम आप कितने 25 लाख रुपए तक आप जमा कर सकते हो इन कैप, नो सच अ कैप इन द म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, फिर आता है स्टॉक ब्रोकर्स। जो स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, जैसे सब ब्रोकर्स होते हैं, स्टॉक ब्रोकर्स भी से कह सकते हैं या सब ब्रोकर्स भी से कह सकते हैं, बिकॉज हम डायरेक्टली एनएसडीएल से हम डायरेक्टली शेयर्स नहीं कर सकते। सो दैट्स द रीज़न हम क्या करते हैं, स्टॉक ब्रोकर्स का यूज़ करते हैं, स्टॉक ब्रोकर्स का यूज़ करते हैं। एक्ट एज अ इंटरमीडिएट बिटवीन द इन्वेस्टर एंड द स्टॉक एक्सचेंज। तो ये इंटरमीडिएटर की तरह है हमारे, जो इन्वेस्टर और स्टॉक एक्सचेंज के बीच में रहते हैं। वेन एवर यू वॉन्ट द बाय एंड सेल द शेयर फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज, यू हैव डू सो थ्रू द रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर। सो इस सब ब्रोकर इज लाइकली एजेंट टू द स्टॉक ब्रोकर्स। सो जब भी आपका मन करता है कि आप स्टॉक को खरीदें या बाय करें, तो देन ये क्या होता है, एक मीडिएटर का काम करता है। ठीक है, एंड यू विल बी बाय एंड सेल द स्टॉक आफ्टर द रजिस्टर एंड मेकिंग क्रिएटिंग द अकाउंट ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तो हमने जो इसके अंदर की जो पढ़े वो की कुछ इस चैप्टर में जो हमने देखा वो कुछ इस तरीके से थे। पहला पॉइंट ये है कि स्टॉक मार्केट इज़ अ प्लेस टू गो इफ़ यू वॉन्ट द ट्रांजेक्शन इन इक्विटीज़। तो स्टॉक मार्केट वो जगह है जहाँ आप अपने अपने अमाउंट को इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड ठीक है, लेन देन कर सकते हैं इक्विटी के अंदर। स्टॉक मार्केट इज़ एग्जिस्ट इलेक्ट्रॉनिकली, कैन बी एक्सेस थ्रू द स्टॉक ब्रोकर्स। जो स्टॉक मार्केट होता है, आप इसको इलेक्ट्रॉनिकली आप इसको यूज़ कर सकते हो एंड ये क्या, थ्रू द आपके स्टॉक ब्रोकर्स के थ्रू। देयर आर द मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ द मार्केट पार्टिसिपेंट ऑपरेटिंग इन द स्टॉक मार्केट। जो स्टॉक मार्केट को होते हैं वो डिफरेंट पार्टिसिपेंट होते, क्या कहते हैं, ऑपरेट करते हैं इसको, ऑपरेटिंग। ठीक है,
एवरी एंटिटी ऑपरेशन इन द मार्केट हैज़ द रेगुलेटेड एंड दे कैन बी ऑपरेट ओनली विद द फ्रेमवर्क एज अ प्रिजर्व टू बी रेगुलेटर्स, ठीक है, इस तरीके से। सी बी इज़ द रेगुलेटर ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट, जो जो सी बी है क्या है, रेगुलेट करता है अपने मार्केट को, सिक्योरिटी मार्केट को। दे आर द लीगल फ्रेमवर्क, ये क्या लीगल फ्रेमवर्क है, रेगुलेट करता है ऑल द एंटिटी इंटरेस्ट इन द ऑपरेटिंग इन द मार्केट, जो भी इंटरेस्ट या चीज़ें हो रही है मार्केट के अंदर, तो ये क्या करता है, ये रेगुलेट करता है, चेक करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यू नीड टू रिमेंबर द सी बी इज़ अवेयर सो वॉट यू डूइंग एंड दे कैन बी फ्लैग यू डाउन इफ़ यू आर समथिंग फिशी इन द मार्केट। सो बेसिकली क्या होता है कि जब भी सेबी को लगता है कि आप कुछ गलत करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपके जो डीमेट अकाउंट्स होते हैं एंड सारी चीज़ें होती है वो ब्लॉक करके आपको निलंबित कर देगा, ठीक है। सो दैट्स द रीज़न भी हमें फेयर चल के ही हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये है चैप्टर 3।